वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ब्लीच की रेमेडी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये ब्लीच भी है और ये फेशियल भी है और ये फेस पैक का भी आपको इफ़ेक्ट देने वाला है। बिल्कुल आपको जो है इतना अच्छा रिजल्ट देगा ये ब्लीच का, बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। साथ ही आपको फेशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ना ही ब्लीच की ज़रूरत पड़ने वाली है इस रेमेडी को करने के बाद। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ गाइस कि इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद आपको किसी भी ब्लीच की या फिर किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और पक्का गारंटी देती हूँ कि इससे बहुत आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और ये रेमेडी जो है आपके रंग को बहुत अच्छे से निखारेगी। आपका रंग जो है वो काला पड़ गया है, साथ में आपके फेस पर कोई भी निशान है या फिर पिगमेंटेशन है या फिर झाइयाँ हैं, तो देखिए इन सब की प्रॉब्लम है। तो ये जो ब्लीच है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस ब्लीच को, इस फेशियल को आप ज़रूर ट्राई करें। और इस फेशियल और ब्लीच को ट्राई करने के बाद आपकी पिगमेंटेशन, आपकी जो डार्क स्पॉट वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे और आपका कलर जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हद तक जो है निखरेगा। जी हाँ गाइस, इसको आप ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना रिजल्ट मिला, कितना इससे फ़ायदा मिला, ताकि औरों को भी हेल्प मिल जाए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे लगाना है, कैसे ट्राई करना है, कैसे बनाना है। तो देखिए वो तो मैं वीडियो में आपको बता दूँगी कि आपको कैसे बनाना है, बट आपको ट्राई कैसे करना है, यानी कि लगाना कब कब है। तो देखिए इसको ज़्यादा आप यूज़ ना करें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होने के बाद आप इसको ज़्यादा ना अप्लाई करें, यानी कि बार बार ना लगाएं, क्योंकि ये ब्लीच का भी काम करता है। और ज़्यादा हम अपने फेस पर ब्लीचिंग करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारा फेस कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए आप हफ्ते में दो ही बार करें, दो बार से ज़्यादा ना करें। और आपका रंग ज़्यादा ही ख़राब है या फिर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप हफ्ते में तीन बार कर सकते हो। ये जो ब्लीच है, ये जो फेशियल है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसे करने के बाद आपको क्या लगाना है वो भी मैं आगे वीडियो में बता दूंगी कि इसे करने के बाद आपको क्या लगाना है ताकि आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो या ड्राइनेस की प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको इस ब्लीच को कैसे बनाना है, इस फेशियल को कैसे बनाना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो अच्छी लगे तो उससे पहले एक लाइक ज़रूर करना, ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने फेशियल और अपनी ब्लीच की तरफ। इस ब्लीच फेशियल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में एक चम्मच बेसन लेना है और दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेना है नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस। तो देखिए लेमन जूस आपको सूट करता है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप दही ले सकते हो। तो देखिए लेमन जूस वैसे बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन की जितनी भी डेड होती है, जितनी भी गंदगी होती है, जो पिगमेंटेशन होते हैं उनको बहुत अच्छे से लाइट अप करता है। और यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है टमाटर का रस, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो टमाटर का रस भी हमारी जो फेस पर गंदगी होती है, जो निशान होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, यहाँ तक कि मेलाजमा होता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, हमारे रंग को ब्राइट करता है। और जी यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर लिया है, यानी कि गुलाब जल लिया है, ये टोनर का काम करता है और ये एक नेचुरल सा ग्लो लेकर आता है हमारे फेस पर। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हमारी यहाँ पर ब्लीच फेशियल रेडी है। तो देखिए ब्लीच को करने से पहले आपको अपने फेस को जो है गीली टॉवल से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, या आप अपना फेस को वॉश कर सकते हो। फिर अपनी ब्लीच जो हमने ब्लीच बनाई है तब अप्लाई करना है। तो देखिए अब जो है मैं ब्लीच को अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। तो आप चाहें तो कॉटन बॉल की हेल्प से भी जो है अपने फेस पर ब्लीच को अप्लाई कर सकते हो, आप चाहें तो हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए ये जो है थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है और आपको लिक्विड फॉर्म में ही बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं बनानी है आपको, और ये जो है लिक्विड फॉर्म में ही बनानी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा वर्क करने वाली है। और यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इस तरीके से आपको अपने फुल फेस पर अप्लाई कर लेना है, आप चाहे तो नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो, और आपकी ब्लीच बच जाती है तो आप चाहे तो अपने हाथों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो देखिए ये हमारा जो है बहुत अच्छे से हमारी स्किन को बूस्ट करेगी, हमारी जो ग्लो है जो हमारा ओपन पोर्स में गंदगी होती है उसको अच्छे से रिमूव करेगी और एक नेचुरल सा ग्लो लेकर आएगी। तो देखिए इसको 6 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 मिनट के लिए इसको रहने देना अपने फेस पर। और उसके बाद जो है आपको टमाटर लेना है, जो टमाटर का पल्प आपने यूज किया था वही टमाटर आपको यहाँ पर लेना है और उससे जो है मसाज करनी है अपने फेस पर, जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करनी है। तो इस तरीके से आपको करनी है लगभग 3-4 मिनट। तो बिल्कुल जो है हल्के हल्के हाथों से करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो बहुत ही जो है मतलब बहुत अच्छा वर्क करने वाले हैं और हमारी जो मैल होता है हमारे फेस पर जो गंदगी होती है बहुत अच्छे से उसको रिमूव करेगा और एक जो है नया स्किन आपको देगा। तो इसके बाद इस जो ब्लीच हम यूज कर रहे हैं तो इस ब्लीच के बाद जो है आपको सनस्क्रीन लगानी है या फिर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। आप धूप में जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और आप नाइट में कर रहे हो तो इसको वॉश करने के बाद जो है आपको मॉइस्चराइजर लगाना है या फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने टमाटर को जो है अच्छे से अपने फेस पर रब किया है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने फिंगर से भी अपनी फेस पर मसाज की है और अब जो है मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो मैं जो है थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर साफ करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो कर रही है हमारी स्किन। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से जो है गीली टॉवल ली है, यानी कि एक गीला कपड़े से आपको अपने फेस को पोंछ लेना है, फिर जो है अपने फेस को नॉर्मल पानी से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं गीली टॉवल से अपने फेस को साफ करके दिखा रही हूँ, जितनी भी मैंने ब्लीच अप्लाई की है उसको मैं रिमूव करके दिखा रही हूँ और फिर जो मैं बाद में अपने फेस को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना मोस्ट है, क्योंकि ब्लीच हम कर रहे हैं तो और ब्लीच करके हम आ जा रहे हैं तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने फेस को जो है साफ़ कर लिया है एक गीली टॉवल से और अभी तक मैंने अपने फेस को वॉश नहीं किया है, तब आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है और थोड़ी देर बाद में और अच्छा ग्लो जो है हमारे फेस पर आने वाला है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है और ये ब्लीच जो है बहुत ही अच्छी है और नेचुरल है, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं। और भी बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर अपलोड मेकअप से रिलेटिव और स्किन केयर से रिलेटिव, तो जाकर चेकआउट ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो।